आज से होम वोटिंग शुरू हो रही है। 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होम वोटिंग की सुविधा इस बार भी की गई है, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग जन अपने घर में ही इस फैसिलिटी को उठा सकते हैं, इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। 2 चरणों में घर से ही मतदान कर सकेंगे पात्र वोटर। कोई छूट गया तो 9 और 10 नवंबर को दोबारा वोटिंग कर सकता है। 85 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए ये सुविधा सरकार की तरफ से है, चुनाव आयोग की तरफ से है। 40% से ज्यादा दिव्यांग के लिए भी घर से वोटिंग है, और साथ ही 3000 से ज्यादा मतदाता होम वोटिंग में शामिल हो रहे हैं। 13 नवंबर को आपको बता दें कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए होम वोटिंग आज से शुरू हो रही है। तो आपको बता दें कि एक तरह से देखिए कि चुनावी पार्टियां हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काउंटडाउन भी एक तरह से शुरू हो चुका है, क्योंकि होम वोटिंग शुरू हो चुकी है। 13 तारीख को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 4 से लेकर 10 नवंबर के बीच में होम वोटिंग की जो फैसिलिटी है वो आज से शुरू हो जाएगी। दिव्यांगजन और जिसमें बुजुर्ग लोग शामिल हैं, 3000 से ज़्यादा लोग आज होम वोटिंग के जरिए अपने मतदान करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 10 नवंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद मात्र 2 दिन के बाद यानी कि 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर लगातार प्रशिक्षण भी दी जा रही है, मतदाता वहां पर जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस बार 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और देखिए, होम वोटिंग जो है वो 2 चरणों में है। 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच होम वोटिंग है, और दूसरा चरण ये होता है घर से मतदान कर सकेंगे पात्र वोटर अगर कोई छूट जाता है। दूसरा चरण ये कि 9 और 10 नवंबर को आप दोबारा वोटिंग कर सकते हैं। पात्र वोटर वो हुए जो 85 साल से ज्यादा उम्र के नागरिक हैं, साथ ही 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, उनको भी घर से वोटिंग का प्रावधान रखा गया है। तो होम वोटिंग आज से 7 विधानसभा के उपचुनाव के लिए शुरू हो रही है। और इधर जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में एक महिला के साथ चेन स्निचिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाश महिला के गले से मंगलसूत्र और बैग छीन कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो महादेव मिष्ठान भंडार के पास पहुंची, उनका पीछा कर रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से मंगलसूत्र और हाथ से बैग छीन लिया, फरार हो गए। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।